तो बच्चों स्वागत है सोविसर की ज्ञानशाला में। ये सोविसर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला है। बच्चों सरप्राइज अगेन लेके आया हूं आपके लिए। अगर एनर्जी हो तो मेरे इंट्रो से घबराना नहीं। बहुत से बच्चे इंट्रो देख के एक साथ क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा ये क्या इंट्रो। मैं कह रहा हूं एनर्जी होगी बोर्ड के पेपर में तो इंट्रो के बाद जो मैं आपके लिए सरप्राइज लेके आया हूं उसमें सारा टॉपिक आपके क्लियर हो जाएगा। ऐसा सरप्राइज लेके आपके लिए भरोसा होना चाहिए। ऑफलाइन के बच्चों को तो मैंने पूरा ये करा दिया है, ऑनलाइन के बच्चों को रह गया है। धीरे धीरे ऑफलाइन के बच्चों को मैंने जो कराया हुआ है धीरे धीरे मैं ऑनलाइन भी डालूंगा। क्या सरप्राइज है, सीधे सरप्राइज पे आता हूं बेटे। और इसलिए बोलता हूं कि एनर्जेटिक तरीके से वीडियो को देखना, एनर्जेटिक फुल एनर्जी के साथ। बोर्ड के पेपर आपके तो बोर्ड के पेपर में एनर्जी के साथ इस वीडियो को देखना, स्किप मत करना। अगर स्किप करा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और आपके अंदर पूरा लगन है, आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे और आपके लिए 100% कीमती चीज होगी। क्या है वो कीमती चीज? दिस वन। 2023 मैथमेटिक्स का पेपर आपके सामने। अगर आप इस पेपर को एनालाइज कर लेते हो, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लेते हो, कॉन्सेप्ट अगेन बोल रहा हूं, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उनके कॉन्सेप्ट को अगर आप एनालाइज कर लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाएंगे, आप धुआं उठा देंगे। समझ रहे हो आप? कल्याण हो जाएगा बच्चों का। जिसने बच्चे ने अब तक तैयारी नहीं करी है, जो डरा हुआ है, अगर वो इन क्वेश्चंस को, ये जो मैंने क्वेश्चन बोले हैं पेपर वाले, इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर ले तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि आप पेपर को उड़ा दोगे। अगर आपको लगता है कि पेपर नहीं उड़ पाया तो चैनल को बटन दबाओ, साइड हटाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, इससे पहले मैंने हिंदी का पेपर लेके आया था, ऑफलाइन के बच्चों ने मुझे बोला है सर 80-85% आपका वही पेपर आया है, तो मैं कैसे भरोसा ना करूं, कैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बच्चों का भला ना करूं। और आप भी उन्हें शेयर करना मेरे प्यारे, जिनको अभी जरूरत है, जो डरे हुए हैं, जिन्होंने अब तक तैयारी नहीं करी, उनको भी आप शेयर करें। ऑल द बेस्ट इस चीज के लिए और बहुत थैंक यू वेरी मच अगर आप शेयर कर रहे हैं तो। दूसरी बात, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूं। ऑनलाइन में मैंने बहुत सारे चीजें बताई नहीं है, मैंने ऑफलाइन के बच्चों को सारा सब कुछ क्लियर कराया हुआ है, ऑनलाइन मैंने बताया नहीं है, लेकिन मैं विश्वास देता हूं धीरे धीरे ऑनलाइन में सारी चीज शेयर करूंगा, सारे कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा और 2024 तक ये कल्याण हो जाएगा आपका। लेकिन फिलहाल लास्ट टाइम पे अगर आप ये क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज कर लेते हो, अगेन कॉन्सेप्ट को अच्छे से एनालाइज कर लेते हो, अभी भी टॉप मार सकते हो। टॉप पास नहीं, हमको खास बनना है। चलो तो चलो मैं चलता हूं सीधे पेपर को और पेपर पे बताता हूं आपको कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए। नोटबुक ले लो, पेन ले लो और क्वेश्चन पे चलो डायरेक्ट जो 2023 में आ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, चलो ठीक है तो आ जाओ पेपर पे डायरेक्ट आ जाओ। ये रहा क्लास 10 2023 का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव कैसा होता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन और चार ही आएंगे बेटा, हिंदी का पेपर भी आप देख के आए होंगे या पहले, तो चार ऑप्शन इस बार आ रहे हैं यूपी बोर्ड वालों के लिए। वैसे तो सीबीएसई के भी चार ऑप्शन है और 20 विकल्प आ रहे हैं यूपी बोर्ड वालों के लिए, 20 विकल्प। तो पहला सवाल पढ़ लिया, दूसरा देखो, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होता है? चार ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन तो बदल के भी आ सकते हैं। आप सवाल के ऑप्शन में मत जाओ, आप सवाल को देखो और सवाल के कॉन्सेप्ट पे जाओ आप। तो सवाल देखो, शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होता है? अगला सवाल, रेखा x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु बताना है, प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? चार ऑप्शन में से अगला, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, समझ गए? तो वो बड़ी संख्या बतानी है, क्रम से शेषफल 5 और 8 प्राप्त होना चाहिए। अगला सवाल पांचवा, 2x प्लस ay इक्वल टू 1 तथा 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं है तो a का मान बताओ, और सिंपल है बहुत ज़्यादा। अगला सवाल, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। चार कथन दिए हुए हैं, चार कथन में से
या तो ए और बी सही है, या ए और डी सही है, या सी और डी सही है, या केवल ए सही है। तो जो सही ऑप्शन में वो आप देख लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बता देंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो मेरे प्यारे, तभी टॉप मारोगे। अगला सवाल, ए ओ बी सी एक आयत है, रेक्टेंगल है, आयत है जिसके तीन शीर्ष दे रखे बेटा, ए 0.3, ओ 0.3 अगेन एंड बी 5.0। तो इसका विकर्ण बताओ, डायगोनल बताना, विकर्ण बताना कि विकर्ण कितना होगा। अगला सवाल जल्दी से देखते हैं, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/0 इज इक्वल टू 0। अगेन बोलता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4, 5/4 बराबर 0 दे रखा है, एक रूट एक मूल दे रखा है उसका 1/2। अगर एक मूल 1/2 है तो के का मान बताओ, सिंपल, बहुत आसान सवाल। अगला सवाल, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, चार कंडीशन दे रखी है, कहाँ होते हैं वो बताना है। दसवां सवाल, यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यमिक माध्यिका की माप बताओ, माध्यिका मतलब मीडियन बताओ, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके सामने। अगला सवाल, एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 तथा 12 सेंटीमीटर है, तो इस सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताओ, सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताओ, ठीक है। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, चार ऑप्शन इसमें दे रखे होंगे। अब चलते हैं सीधे 12वें क्वेश्चन पे, सीधे 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे। दो समरूप त्रिभुज हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:9, तो इनकी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, फिर में है, कर लेना इसको। अगला सवाल, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल देखो, 4 tan θ 4 tan θ = 3, तो 4 sin θ - cos θ / 4 sin θ + cos θ का मान बताओ। बहुत बढ़िया, लाल बेटी कक्का से कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा पासा हिंदुस्तान हरा भरा वो वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हो चाहो तो, त्रिभुज बना के, ट्राइंगल बना के। अगला सवाल, साइन 75 degree / cos 15 degree का मान क्या होगा, सिंपल। अगला सवाल, 15वां सवाल, एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, सरफेस एरिया का अनुपात बताओ। अगला सवाल 17वां, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। अगला, माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किसके किससे प्राप्त किया जाता है, तोरण से, आयत से, बहुभुज से, कोई नहीं, ये चार ऑप्शन इस तरह से दे रखे हैं। अगला, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, तो माध्यिका बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका तो एक बार में कर दोगे। और लास्ट सवाल, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदुओं के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है, माध्यिका कहलाता है, बहुलक कहलाता है, या सभी कहलाता है। सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन बी की ओर आते मेरे प्यारे, सेक्शन बी जल्दी से आओ, दो सेक्शन आ रहे हैं पेपर में, सेक्शन एक 20 क्वेश्चन सेक्शन बी पे आओ और उसकी तरफ देखते हैं। उसके पहले क्वेश्चन को सारे खंड करने हैं, इसमें सभी खंड कीजिए। तो पहला क्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल, नहीं गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 है, 2 से विभाज्य है, तो यह कथन सत्य है या असत्य है ये बताइए और कारण भी दीजिए। धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, तो ये कथन सत्य है या असत्य है ये बताना है और उसके कारण सहित बताइए, कारण भी दो, ठीक है बच्चे। अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्री का मेरे प्यारे, cos थीटा बराबर 7/8, तो 1 + sin θ 1 - sin θ / 1 + cos θ 1 - cos θ का मान निकालो। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, एक शंकु के आकार का बर्तन है जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है, तो पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है उसमें डाला जाता है पानी को, तो बेलनाकार बर्तन में डाले गए पानी की ऊंचाई क्या है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला सवाल, ये टेबल दे रखा है, टेबल को ध्यान से देखो, इसमें समांतर माध्य निकालना है। टेबल ध्यान से देखा, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह टेबल देखिए, 2, 7, 12, 15, 8, 6, इस तरह की टेबल और समांतर माध्य निकालने को पूछेगा आपसे, ठीक है। अगला सवाल अड़े, -4.6 बिंदु ए -6, 10 और बिंदु बी 3.-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु -4.6
ये बिंदु और ये बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात वाला ये कॉन्सेप्ट आ गया मेरे प्यारे, ठीक है। अगला के का मान ज्ञात करो यदि बिंदु ये 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 समरेख है। बहुत बढ़िया सवाल है, मैं तो इसका ज्ञानशाला पे भी देख सकते हो उसको, और ये समांतर माध्यम वाला भी ज्ञानशाला पे देख सकते हो, आपको ये मिल जाएगा। शेयर जरूर करते रहो मेरे प्यारे, शेयर जरूर करते रहो, शेयर जरूर करते रहो मेरे प्यारे, शेयर जरूर करते रहो। जो बच्चों को जरूरत है उनको शेयर करो, उनको शेयर करो, शेयर करना है। देखो सब्सक्राइब करते रहो मेरे प्यारे, शेयर करते रहो मेरे प्यारे, शेयर शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो मेरे प्यारे, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। जिन बच्चों को जरूरत है यार प्लीज़ करो, उनका भला हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने इन इस ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके कॉन्सेप्ट करो, कॉन्सेप्ट अगर कॉन्सेप्ट कर लेते हो पक्का कल्याण हो जाएगा मेरे प्यारे, उद्धार कर दोगे, पेपर को उड़ा दोगे पक्का। 2023 वालों तैयार हो जाओ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब क्वेश्चन थोड़े बड़े हो चुके हैं, चार नंबर के आएंगे, इससे पहले 2 नंबर के क्वेश्चन थे मेरे प्यारे, अब 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, 5 खंड दे रखे हैं इसमें। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रेखिक समीकरण ये 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0 संगत है। तो यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए, ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए, ये सवाल है ग्राफ वाला, बहुत प्यारा सवाल है। अगला सवाल संख्या वाला है, संख्या के वर्गों का अंतर दे रखा है 180, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो दोनों संख्या बताओ। कितना आसान सवाल है मेरे प्यारे, बड़े प्यारे से कर दोगे। अगला सवाल, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करो, रचना का सवाल आ गया, उसकी लंबाई भी बताओ। अगला सवाल मेरे प्यारे, 2 खंभे हैं जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है, ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बताओ। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री का, बड़े प्यार से कर दोगे। अगला सवाल सबसे पहले तो इसको आप ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 140 से कम, 145 से कम, इस तरह से कम है, ये ऊंचाइयाँ दे रखी है, लड़कियों की संख्या 4, 11, 29 करके कुछ ऐसे दे रखी है, ठीक है। तो माध्यक ऊंचाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, माध्यक ऊंचाई, मीडियन हाइट पूछ रहा है, और क्या दिया हुआ है, बोला है स्कूल की कक्षा में क्लास 10th में 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया है, तो ऊंचाइयों का सर्वेक्षण है ना, ऊंचाइयाँ है, तो आपको माध्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है इसमें, ठीक है। अगला सवाल है बेटा, सांख्यिकी से देख रहे हो कितने सवाल आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के, ध्यान से कर लो इनको मेरे प्यारे। माध्यक दे रखा है 28.5, एक्स और वाई का मान बताओ डायरेक्ट, वर्ग अंतराल ये रहा तुम्हारे सामने, बारंबार ये रही, तो ये टेबल के द्वारा एक्स वाई का मान निकालना है, बहुत बढ़िया। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ज्ञानशाला पर डाला हुआ देख सकते हो, ठीक है। माध्य भी बोल सकता है कि माध्यक बोला है ना, माध्य भी आ सकता है कि माध्य इतना दे रखा है तब एक्स वाई का मान निकालो, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इस कॉन्सेप्ट को तगड़ा कर लो मेरे प्यारे। अगला सवाल जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये 4 नंबर के हो गए, पहले 2 नंबर के आएंगे फिर 4 नंबर के आएंगे, अब चलते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चनों पे, लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं, अब 6 नंबर वाले क्वेश्चनों पे बेटा 6 नंबर के सवाल आएंगे, कोई बात नहीं, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने अब तक एनालाइज कर दिया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कुछ क्वेश्चन को दोबारा सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, निम्न समीकरण 2 समीकरण दे रखे हैं, ये और ये, भाई ये तो मैंने अभी डाला मेरे प्यारे ज्ञानशाला पे देख लो, बहुत अच्छा मेथड डाल रखा उसका, लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर में आ रहा है, समीकरणों को सॉल्व करना है मेरे प्यारे, ठीक है, समीकरण को सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालना है, तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 2 समीकरण दे रखे हैं, देखो 10/(x + y) + 2/(x - y) = 4, 15/(x + y) - 5/(x - y) = -2, सॉल्व करना, कितना प्यारा क्वेश्चन है, 6 नंबर ज्ञानशाला में दे रखा है, बड़े प्यार से देख सकते हो, 5 मिनट में मिल जाएगा 6 नंबर आपको, वहाँ पे देख लो 5 मिनट में 6 नंबर, अथवा में देता है 2 में से 1 करना होता है, लैंग्वेज वाला सवाल। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, वर्षों में रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु बताओ, ठीक है मेरे प्यारे, हो जाएगा। अगला सवाल फिर 6 नंबर का, अथवा के 2 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से 1 करना है, जैसे कि पीछे 2 थे 1 करना था, तो 4th सवाल आते हैं, ये ऊंचाई दूरी का सवाल है, हाइट एंड डिस्टेंस का, ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है ना। तो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 1 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, झुका हुआ कोण क्रमशः 30° है और 45° है, ये बात पता चल गई। नेक्स्ट, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो,
छः नंबर का सवाल है मेरे प्यारे, बहुत आसान सवाल है, डायग्राम बनाओ आंसर दो, ये समझ लो कॉन्सेप्ट इतना हल्का है इसका। ऑफलाइन वाले बच्चों को तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट करा रखे, आपको भी धीरे धीरे करा दूंगा, ये मेरा वादा है, भरोसा करो नेक्स्ट ईयर तक सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आ जाएंगे ऑनलाइन भी। भूमि के एक बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज के दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात करो, 6 नंबर का सवाल है, आइटेंट डिस्टेंस का अगेन आया है। डायग्राम बनाओ आंसर पाओ, डायग्राम बनाने का खेल होता है इसमें, बड़े प्यार से कर दोगे। अगेन अब 5 नंबर के सवाल पे आते हैं, 5 नंबर का सवाल जो होगा वो भी 6 नंबर का होगा, जल्दी से आते हैं, ये लास्ट सवाल है हमारा और इसमें भी दो क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के, तो दोनों क्वेश्चन हम देख लेते हैं चुटकियों में, थोड़ी देर और देख लो मेरे प्यारे, स्किप मत करना, जल्दी से कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना मेरे प्यारे। शंकु का सवाल है, एक बर्तन है एक उल्टे शंकु के आकार का है, बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर सिरे की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, मतलब ऊपरी सिरा इसका खुला हुआ है और सिरे की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर की है, 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, मतलब गोलियां डाली जा रही हैं तो वो गोला जो है 0.5 सेंटीमीटर का है, वो डाली जाती हैं गोलियां, प्रत्येक कितनी है 0.5 सेंटीमीटर की, तो वो बार बार डाली जा रही हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताओ, एनसीईआरटी का सवाल है, छपा छपाया मिल गया क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कर लो लैंग्वेज वाला आ रहा है पेपर में। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 अथवा में ये मेंसुरेशन का आ चुका है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर, अब आयतन है तो घन सेंटीमीटर होगा ना, बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर, देखो इसमें थोड़ा सब मिसप्रिंट होगा बेटा, आयतन 345 घन सेंटीमीटर है, जांच कीजिए बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है, ये मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, पाई का मान 3.14 है, समझ में आ गया। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, भरोसा रखो तुम्हारी कसम, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट करो। मैंने ऑफलाइन के बच्चों को तो सारे कॉन्सेप्ट करा दिए मेरे प्यारे, ऑनलाइन तक नेक्स्ट ईयर ऑनलाइन तक भी पहुंच जाएंगे, भरोसा करो मेरे प्यारे, भरोसा रखो, शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो जो बच्चों को जरूरत है। चलो तो फिर मिलते हैं आपको, ऑल द बेस्ट। तो आ जाओ मेरे शेरो, जैसे कि आपने क्वेश्चन देख लिए हैं, बस एक काम कर दो, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए लगन के साथ इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लो, इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में छपे छपाए मिलेंगे मेरे भाई, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मैं चाहता हूं आप टॉप मारो मेरे प्यारे, देखो। और बेटा उनको भी शेयर करो जिन्हें जरूरत है, और उनसे भी कह दो कि कॉन्सेप्ट, ओनली कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कर लो टॉप मार दोगे। जिस बच्चे ने अब तक तैयारी नहीं करी है, मैथ से डरता है, डिप्रेशन में, बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन उनको दो और बोलो भैया इनके कॉन्सेप्ट कर ले अपने मॉडल पेपर में या बुक में से, जहां से भी है, अभी भी टॉप मार सकता है मेरे प्यारे। चलो तो मुझे उम्मीद है आप शेयर करेंगे ऐसे बच्चों को, और इसी के साथ मैं आपको नया पेपर लेके आऊंगा, जो भी आपके बोर्ड के पेपर होंगे और जिनमें आपको डर लग रहा है, मैं लाता रहूंगा, जुड़े रहना सोबिसर की ज्ञान शाला, मतलब आपकी ज्ञान शाला के साथ। जय हिंद, जय भारत।